हर हर महादेव। देखिए कश्यप गोत्रीय नीलेश पचौरी जी है, ये प्रश्न कर रहे हैं कि आचार्य जी मेरा एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि दाह संस्कार के समय कितनी परिक्रमा लगानी चाहिए, मार्गदर्शन करने की कृपा करें। देखिए जो शवदाह होता है तो शव की भी प्रदक्षिणा लगाने का विधान है और लोग परंपरा से भी लगाते भी हैं, तो कितनी परिक्रमा लगाई जाए, क्योंकि हमारे यहाँ हर देवता की परिक्रमा लगाने का अलग अलग जो है विधान है। जैसे एका चंड्या रवे सप्त, तिस्रह कार्या विनायके, हरे चतस्रह कर्तव्या, शिवस्यार्ध प्रदक्षिणा। देवी की परिक्रमा करनी हो तो एक परिक्रमा करें, सूर्य भगवान की 7 प्रदक्षिणा लगानी चाहिए वहीं खड़े होकर के, और तीसरा कार्य विनायके, भगवान गणपति की 3 परिक्रमा लगाने का शास्त्र में विधान है, और भगवान विष्णु की, श्री राम, श्री कृष्ण इत्यादि जो भी भगवत अवतार हैं उन सब की 4 परिक्रमा करें, और शिव से अर्ध प्रदक्षिणा, शिव जी की आदि प्रदक्षिणा है ना, शिव भगवान जो है आदि प्रदक्षिणा से ही प्रसन्न हो जाते हैं। फिर अलग अलग भी है कि अश्वत्थ वृक्ष की, तुलसी की, जैसे 108 परिक्रमा करने का भी विधान है, 108 परिक्रमा करें, और भगवान के सहस्र परिक्रमा इत्यादि का भी विधान है कि इतनी परिक्रमा करें तो फिर उनका संकल्प पूर्वक कुछ विशेष परिक्रमा करनी हो। पर शव की भी प्रदक्षिणा होती है, देखिए शास्त्रों में लिखा हुआ है आदि पुराण इत्यादि में कि ये जो शव की जो शवदाह करने वाला है, जो मुखाग्नि देने वाला है, जो करता है वो, या उसका जो पुत्र है वो हाथ में यज्ञीय 7 संविधाओं को लेकर के और शव की दक्षिणावर्त 7 परिक्रमा करे, और एक परिक्रमा के बाद में एक जो है क्रव्यादाय नमस्तुभ्यम कह करके वो संविधा डाल दे, फिर दूसरी परिक्रमा लगा क्रव्यादाय नमस्तुभ्यम ये कह करके नमस्कार करके दूसरी संविधा, इस प्रकार 7 परिक्रमा करते हुए 7 संविधाओं का उसमें विसर्जन करना चाहिए। देखो कह रहे हैं गच्छेत प्रदक्षिणा 7 समिध भी 7 भी ही सह, इस तरीके से गच्छेत प्रदक्षिणा 7 समिध भी 7 भी ही सह, 7 संविधा को लेकर के एक एक संविधा छोड़ता हुआ 7 परिक्रमा शव की करनी चाहिए। इस प्रकार और भी कोई जो शव की प्रदक्षिणा करना चाहते हैं तो वे भी 7 प्रदक्षिणा करें, ऐसा विधान है। इस दृष्टि से हर देवता की हरेक की प्रदक्षिणा अलग अलग है। एक बात और देखिए, जब गौ माता अर्ध प्रसव कर चुकी हों, यानी उनका प्रसव जो बालक का खुर निकलने लगे हों, बालक का जन्म होने लग जाए, उस समय गौ माता की प्रदक्षिणा करने पर जो पूरी पृथ्वी की प्रदक्षिणा करने का फल प्राप्त होता है। उस समय प्रसवोन्मुखा द्विमुखा हो जाती है गाय, क्योंकि पीछे भी बालक का मुंह निकलने लगता है, आगे मुख होता है, उस समय अर्ध प्रसववती गाय का प्रसूता, सद्य प्रसूता या प्रसूत जो कर रही है, प्रसव कर रही है, उस समय अगर गाय का दान किया जाता है तब भी पृथ्वी दान का फल प्राप्त होता है। उस समय गोदान की बड़ी महिमा है, तो उस समय भी आचार्य और संभार को जो भी लेना चाहते हैं उस समय रखा जाता है, और वो कभी भी होता है, फिर वो पहले संकल्प कर लिया जाता है कि हम इस तरीके से प्रसूता गाय का दान करेंगे, तो अर्ध प्रसूता, तो फिर जब भी अर्ध प्रसूता होती है गाय तो तत्काल दान कर दिया जाता है। उस समय परिक्रमा का भी विधान है, दान न कर पाए कम से कम प्रदक्षिणा कर लें, तो इन बातों का जो है स्मरण करें और अनुसरण करें। बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। हर हर महादेव।